बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नोटराम मुरली, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेडगार्ड पीपल्स वॉइस। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन से पूर्व बहुजन समाज पार्टी में बड़े बदलाव की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी पर होने वाले जन्मदिन से पहले बहुजन समाज पार्टी काफी कुछ बड़े बदलाव होंगे और बहुजन समाज पार्टी ने इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए त्रिसूत्रीय एक समीकरण बनाया, यानी कि बहुजन समाज पार्टी तीन सूत्रों के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगी और इसी के आधार पर वो प्रमुख अहम भागीदारियां देगी और उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी जमकर निशाना छांगेगी। खबरों के मुताबिक हम आपको बताने की कोशिश करें तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन जनवरी में आता है और उस दिन आपको बता दें कि उससे पहले बहुजन समाज पार्टी अभी बहन जी के निर्देश को जो जन्मदिन है उन्हीं पर लगी हुई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में आगे आने वाले दिनों के अंदर सेक्टर और बूथ की जो कमेटी है उनको मजबूत बनाया जाएगा, उन कमेटियों को मजबूत किया जाएगा और उन्हीं के आधार पर आपको बता दें कि आगे पंचायत के जो चुनाव है उन्हीं को लड़ा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी ने पंचायत के चुनाव लड़ने से पहले बूथ और सेक्टर की जो कमेटियां हैं उनको पूर्ण करना चाहती है। इसके अलावा आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने जानकारी दी है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार पार्टी के अंदर युवाओं को अहम भागीदारी दी जाएगी। आपको बताने की कोशिश करें तो कहीं महत्वपूर्ण पदों पर 50% तक युवाओं को आबादी जो युवा वर्ग है उनको जिम्मेदारी देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसके अलावा आपको बताने की कोशिश करें तो जो बेरोजगारी और अत्याचार का मामला है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी और दलित अत्याचार, पिछड़ा अत्याचार, आपको बता दें हर वर्ग पर होने वाले अत्याचारों को लेकर, महिला उत्पीड़न को लेकर बहुजन समाज पार्टी मुद्दा बनाएगी। यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी बेरोजगारी और अत्याचार के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त गठबंधन को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं, तो यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करती है या नहीं करती है, या फिर आपको बता दें कि आगे आने वाले दिनों के अंदर बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ती है, लेकिन पार्टी ने तैयारियां अकेले अपने दम पर लड़ने की ही कर रखी है, बाकी भविष्य के गर्भ में है।